So guys, let's discuss this question. Question is, each firm earns just the normal profits in case of perfect competition. Perfect competition market के केस में हमें पता है there are large number of buyers and sellers. ये तो feature है and सबसे most common feature है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, एंड जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो उस केस में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि दीज बायर्स और मतलब दीज सेलर्स, सेलर्स की बात करते हैं, ठीक है, दीज सेलर्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट. ऐसा क्यों होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. जैसे एक नया सेलर आया, सेलर का नाम था एक्स. ठीक है, ये आया, इसने मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट चल रहा था. ठीक है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट था सोप. ठीक है, साबुन था. तो इसने आया और प्रोडक्ट का प्राइस पहले से ही सेट था 100 रुपये. इसने आके क्या करा, प्राइस 110 सेट कर दिया. इसने प्राइस क्या करा, इसने सोचा कि भैया सारे 100 रुपये दे रहे हैं, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करूँगा. ये चाहता था कि मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लूँ, ये चाहता था कि मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लूँ. बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 चल रहा है एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. इसमें होते हैं भाई होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, हमें देखने को मिलते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये किसने बनाया है. तो अगर ये प्रोडक्ट एक्स ने बनाया है तो 110 का है, और अगर यही सेम प्रोडक्ट वाई ने बनाया है, वो बेच रहा है 100 रुपये का. ठीक है, मैं गया मार्केट में, ठीक है, मैंने बोला भैया मुझे साबुन दे दो. अब उसने मुझे दो टाइप के साबुन दिए, एक दिया 110 रुपये का और एक दिया 100 रुपये का. मैंने साबुन देखा, मैंने कहा यार दोनों में तो डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं. मैंने कहा यार 100 वाला दे दो, बिल्कुल सेम तो है. तो जो ये वाला प्रोड्यूसर है जिसने सोचा कि मैं प्राइस इंक्रीज करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, उसकी सेल ही नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है ना. अगर इसके प्रोडक्ट में कुछ अच्छाई होती, क्या पता बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है या ऐसा कुछ होता, तो शायद लोग खरीद भी लेते. बट सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है. तो जो इसने प्राइस इंक्रीज करके एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने की सोची, वो प्लान हो गया इसका फ्लॉप, और इसको दोबारा से वही प्रोडक्ट 100 रुपये में बेचना पड़ा. दैट्स वाई ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. और दूसरा रीजन नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट. Due to the presence of homogeneous product in this market, हमें क्या देखने को मिलता है, normal profit देखने को मिलता है in case of perfect competition. And वही यहाँ पर बोला है कि each firm earns just the normal profit in case of perfect competition. That's why this statement is true. ये statement बिल्कुल सही है. ये तो एक feature है जिस feature को मैंने तुमको यहाँ पे explain करके और समझा के बताया. बट ये फीचर आपको याद रखना है परफेक्ट कंपटीशन का कि ईच फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. थैंक यू.